बैन अवी शायर और वसीम जनाब वसीम बरेली साहब और जनाब फरेश अहमद साहब हैं। मैं इन दोनों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और इनकी शायरी से महसूस होंगे। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मेरे अजीज दोस्त और बहुत ही मुझे बड़ा ही फख्र की बात है कि मैं फरद भाई जैसे एक बैन अवी शायर का दोस्त हूँ और काफ़ी दिन से हमारी जब से भाई उर्दू बनी है तब से हमारी दोस्ती चल रही है। तो मैं ज़्यादा वक्त लेते हुए मैं गुजारिश करता हूँ फरद भाई से कि इस शेरी नशिस्त का को आगे बढ़ाएं और दुर्गा तारीफ इस्तेमाल करें। वैसे फरद भाई के बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता कि आप लोग सारे जानते हैं कि फरद भाई की जो गज़लें हैं ये दुनिया के हर गुलकार ने गाई है, जैसे कि मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली साहब, जगजीत साहब, लता जी। जो आखिरी जो गज़ल थी वो मुझे याद है वो मेहदी हसन साहब लता जी की सरहदें मुल्क की सीडी आई थी, वो फरद भाई की उर्दू दोनों ने पहली मरतबा मेरे साथ शायद की गई थी। और जो मुझे मेरी जो पसंदीदा जो गज़ल है जो मेहदी हसन साहब ने गई थी वो तन्हा तन्हा मत सोचा मर जाएगा के फरद भाई के अंदर मर जाएगा। बहुत शुक्रिया तमकिन। ये गालिबन ढाई साल तीन साल पहले की बात है जहाँ से बात शुरू करना चाहता हूँ। दरअसल वो तीन साल से भी दो चार महीने पहले ही होगा। मैं नया नया न्यू जर्सी आया था तो किसी ने मुझे कहा कि भाई एक प्रोग्राम है गालिब के हवाले से और आपने उस प्रोग्राम में गाना भी है, ये भी है, वो भी है, तो एक मकाला आपको गालिब के हवाले से पढ़ना है। मैंने कहा मकाला लिखना जो है वो मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया था, मैं जानना चाहता था कि न्यू जर्सी में क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं, किस तरह से हैं। और मेरी खुशकिस्मती कि मेरा पहला प्रोग्राम मेरे यहाँ मूव होने के बाद, उससे पहले तो बहुत प्रोग्राम यहाँ किए, वो प्रोग्राम हुआ जहाँ तमकिन से मुलाकात हुई और वो मुलाकात रफ्ता रफ्ता बढ़ते बढ़ते यहाँ तक नहीं पहुँची, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे वो मुलाकात उस दिन नहीं हुई, बहुत अरसे की मुलाकात थी, बड़ी लंबी मुलाकात थी और उसकी अपना एक कंटिन्यूशन उस दिन हुई। ढाई पौने तीन साल पहले तमकिन और सैफ को मैंने घर बुलाया बड़े डरते डरते, चूँकि मेरा घर इतना मुसलमान नहीं है जितना तमकिन साहब का है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा झिझका हुआ भी था। तो मैंने कहा क्या पाइए, बड़ी मोहब्बत से सैफ और तमकिन आए। मैंने ये भी पूछ लिया कि बकौल अपने खालिद इरफान के बियर तो किसी भी ब्रांड की हो तो चिकन फ्राई आपके लिए हलाल मंगवाऊँ कि ना। जितने गालिबन चार के पांच मुशायरे जो मेन हैं नशस्तें छोड़कर मुहिबान उर्दू की तरफ से हो चुके हैं, अभी आपने पिछले वेंसडे को प्रोग्राम भी देखा। और ये बिल्कुल तीन चार साल किसी भी जमात के लिए, किसी भी ऐसी एसोसिएशन के लिए घुटनों पर चलने का दौर होता है, लेकिन ये इन तीन चार सालों में ही पहले प्रोग्राम से ही ये सारा क्रेडिट दरअसल तमकिन को जाता है कि जिस तरह से इनकी शुरुआत है और उसके बाद यहाँ से शुरू होने के बाद आमतौर पे जो बहुत ऊपर से शुरू करते हैं वो फिर नीचे आते हैं, लेकिन ये इनकी मेहनत है कि ये जहाँ से शुरू हुए थे आज तक सफ़र जो है वो आगे ही और ऊंचा ही बढ़ता गया है। गज़ल के कुछ शायर पेश करूँ कि जिसको सिनाए गम पे मेरा सर पसंद है, जिसको सिनाए गम पे मेरा सर पसंद है, वो शख्स मुझको आपसे बढ़कर पसंद है। जिसको सिनाए गम पे मेरा सर पसंद है,
वो शख्स मुझको आपसे बढ़कर पसंद है और बे इख्तियार मैंने उसे दिल में रख लिया। बे इख्तियार मैंने उसे दिल में रख लिया। वो कह रहा था मुझको समंदर पसंद है। बे इख्तियार मैंने उसे दिल में रख लिया। वो कह रहा था मुझको समंदर पसंद है और खंजर लिए है ताक में हर यारे तरहदार। खंजर लिए है ताक में हर यारे तरहदार। इस शहर में सभी को मेरा सर पसंद है। खंजर लिए है ताक में हर यारे तरहदार। इस शहर में सभी को मेरा सर। अगर ये मेरी बहर की मजबूरी ना होती तो मैं कहता कि हमारा सर पसंद है। मेरा और तमकिन का सर इस शहर में सबको पसंद है। खंजर लिए है ताक में हर यारे तरहदार। इस शहर में सभी को मेरा सर पसंद है। और देखिए शेर पेश कर रहा हूँ कि खुशबू से जिसकी जख्म खिले दिल बहुत दुखे। खुशबू से जिसकी जख्म खिले दिल बहुत दुखे। मुझको तो ऐसे फूल से पत्थर पसंद है। खुशबू से जिसकी जख्म खिले दिल बहुत दुखे। मुझको तो ऐसे फूल से पत्थर पसंद है। और किस्मत के इख्तियार पे बरहम तो हूँ। किस्मत के इख्तियार पे बरहम तो हूँ मगर लिखा हो जिसमें तू वो मुकद्दर पसंद है। किस्मत के इख्तियार पे बरहम तो हूँ। किस्मत के इख्तियार पे बरहम तो हूँ मगर लिखा हो जिसमें तू वो मुकद्दर पसंद है। और खुलकर लबों ने दादे सुखन रात दी मुझे। खुलकर लबों ने दादे सुखन रात दी मुझे। आंखें ये कह रही थी सुखनवर पसंद है। खुलकर लबों ने दादे सुखन रात दी मुझे। आंखें ये कह रही थी। और शहजाद क्यों करार से चलते हो इस कदर। शहजाद क्यों करार से चलते हो इस कदर। क्यों तुमको बेकरारी है अक्सर। और जिसको सिनाए गम पे मेरा सर पसंद है वो शख्स मुझको आपसे बढ़कर पसंद है। एक और गजल के सीने में दिल सा डूबता अच्छा नहीं लगा। सीने में दिल सा डूबता अच्छा नहीं लगा। इस बार उसका रूठना अच्छा नहीं लगा। सीने में दिल सा डूबता अच्छा नहीं लगा। इस बार उसका रूठना हर चंद शब्द से हारना दिन का नसीब है। हर चंद शब्द से हारना दिन का नसीब है। बुझना मगर उम्मीद का अच्छा नहीं लगा। हर चंद शब्द से हारना दिन का नसीब है। बुझना मगर उम्मीद का अच्छा नहीं लगा। और ऐसा भी वक्त आया है हम पर कभी कभी। ऐसा भी वक्त आया है हम पर कभी कभी दिल का दुआएं मांगना अच्छा नहीं लगा। ऐसा भी वक्त आया है हम पर कभी कभी दिल का दुआएं मांगना अच्छा नहीं लगा। और तन्हाइयों की धूप के आदि मिजाज को तन्हाइयों की धूप के आदि मिजाज को साया किसी के लम्स का अच्छा नहीं लगा।
तन्हाइयों की धूप के आदि मिजाज को साया किसी के लम्स का अच्छा नहीं। और मैं एक शेर बतौर खास के मैं जिस पे जान हार के बैठा था, मैं जिससे जान हार के बैठा था मुझसे वो कल रात हारता हुआ अच्छा नहीं। मैं जिससे जान हार के बैठा था मुझसे वो कल रात हारता हुआ। और ये हम सब की तरफ से मेरा ख्याल है कि शेर एक आपकी नजर करूं कि कुछ भी मैं कर ना पाया, कुछ भी मैं कर ना पाया मगर इस बरस मुझे, कुछ भी मैं कर ना पाया मगर इस बरस मुझे अपना वतन को छोड़ना अच्छा नहीं। कुछ भी मैं कर ना पाया मगर इस बरस मुझे अपना वतन को छोड़ना अच्छा नहीं लगा। और जिसने अता किया था मुझे खुद ही एक दिन, जिसने अता किया था मुझे खुद ही एक दिन, उसको ही मेरा हौसला अच्छा लगा। जिसने अता किया था मुझे खुद ही एक दिन, उसको ही मेरा हौसला अच्छा नहीं लगा। और एक फूल जश्ने रंगो बहारा के दरमियान, एक फूल जश्ने रंगो बहारा के दरमियान मेरे लिए मलूल था अच्छा नहीं लगा। एक फूल रंगे जश्ने बहारा के दरमियान मेरे लिए मलूल था अच्छा नहीं लगा। सीने में दिल सा डूबता अच्छा नहीं लगा, इस बार उसका रूठना अच्छा नहीं लगा। हमारी खुशनसीबी है कि आज हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जो कौमी अंजुमन बराए फरोग उर्दू बनाई है उसका वाइस चांसलर उन्होंने चुना है अपना जनाब मोहतरम वसीम बरेलवी साहब को। और जिसकी वजह से जो दर हकीकत होना बहुत पहले होना चाहिए था कि आज एक ऐसा शायर उस कुर्सी पर बैठा हुआ है जो ये फैसला कर सकता है जो कि हाँ कि ये तमाम 10 लोग 12 लोग 15 लोग 20 लोग जो पिछले 100 सालों में जिनका किसी ने नाम भी नहीं लिया, जो अखबारों में छपते रहे और आज के दौर में हमारी नई आने वाली नस्लें उनके नाम से भी वाकिफ़ नहीं है, उनको आपसे मुतारिफ़ कराया जाए, आपके सामने लाया जाए, उनकी रिकॉर्डिंग्स की जाएँ या जो नहीं मौजूद रहे हमारे दरमियान रहे उनके काम को छापा जाए, आप तक पहुँचाया जाए। उनकी खिदमात के हवाले से अगर मैं बात करूं अगेन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस कदर है कि बहुत वक्त गुजर जाएगा, मैं सिर्फ अक्सर ये करता हूं जैसा कि आपने जितने लोग हमारे पिछले मुशायरे मौजूद थे कि मैं किसी शायर के हवाले से कुछ इसलिए नहीं कहता कि नहीं मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायर का काम, किसी भी आर्टिस्ट का काम जो है वो खुद उसका तारुफ होता है। मेरा सिर्फ काम ये होता है कि मैं उसको कहता हूँ आप तशरीफ़ लाइए और अपना काम पेश कीजिए। लेकिन इनके लिए ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैंने एक दो चार एक खराश सी खरोंचे सी लगाई हो किसी कागज़ पर, ये पूरा मुकम्मल तारुफ नहीं है। उनका मुकम्मल तारुफ उनकी अपनी शायरी है, उनका वो लहजा है जो उनके अशार को आपके सीने में धड़काता है। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ वसीम बरेलवी साहब से कि सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई फरहत शहज़ाद साहब का, और थोड़ी सी उलझन में भी हूँ। इन्होंने जितना कहा है काश उसका 5% भी पूरा उतर सकूँ उनकी तवक्कात के मुताबिक, तो मेरी खुशकिस्मती होगी। और ख़तीब साहब के ख़ानदान से पिछले साल वाकिफ़ होने का यहाँ मौका मिला, उनसे तो वाकफियत तो याद अल्लाह बहुत पुरानी थी, बहुत मुशायरों में उनका साथ रहा, उनकी सरपरस्ती में मुशायरे पढ़ने का मौका मिला, अदबी महफिलों में शिरकत का मौका मिला। लेकिन इन साहबजादगान को देखकर मुझे सिर्फ एक बात याद आती है कि मैंने किसी मौके पर कहा था कि
आदमी के आमाल के बारे में अंदाज़ा लगाना हो तो उसकी औलाद को देख लीजिए। ये वो खुशकिस्मत ख़ानदान है जिन्होंने बड़े बाप की तरबियत हासिल की और साया आज सब में यहाँ तक पहुँचे। खुदावंद आलम इस तरह की औलादें हर शायर को दे, वरना शायरों के मुकद्दर वैसे तो लोगों के जहनों और दिलों में शायरी की शायर रहता है, लेकिन आम तरीके से उसका तसलसल जो है आगे चलकर बिगड़ जाता है और औलादें वो काम नहीं कर पाती जो शायर अपने वक्त में कर जाता है। आम तरीके से देखने में आया, लेकिन बहुत मुबारक है ये ख़ानदान जो अपने वालिद के विरसे को सीने से लगाए भी नहीं है, बल्कि उर्दू ज़बान के हवाले से उस तहजीब को भी अगली नस्ल तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है या समाज को पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी महसूस करने वाले चूँकि बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए बड़े काबिल कद होते हैं। तो मैं इन भाइयों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत दिल से इनकी महफिल में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। बड़ी मुंतखब महफिल है और ज़ाहिर है कि सब यहाँ पर ऐसे नज़र तशरीफ़ फरमा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नया कलाम कुछ पुराना आपकी खिदमत में पेश करूँ। एक शेर से एक छोटी सी नज़म से आगाज़ करता हूँ, इन दिनों मैंने कही है हिंदुस्तान में और खुदा करे कि ऐसी नज़म फिर ना कहना पड़े। पेश करता हूँ कि मगर है हकीकत और अगर आप सबका दर्द हो तो शिरकत फरमाइएगा। यूँ है कि नफ़रत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है, पूरी ज़िंदगी मोहब्बत की तबलीग करते रहे, पांच आदमी पीछे नहीं है। अभी एक नारा लगाइए तो मालूम हुआ कि हज़ारों आदमी पीछे आ जाएगा। ये बदकिस्मती है हमारे माशरे की, जिसको पेश करता हूँ कि नफ़रत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। तन्हा हूँ और ज़िंदा हूँ, हैरत की बात है। नफ़रत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। तन्हा हूँ और ज़िंदा हूँ, हैरत की बात। मिल्लत के बीच काम करना बस अल्लाह ही हिम्मत दे तो कर सकता है, वरना बड़ा सब्र आजमा मरहलों से गुजरना पड़ता है। मैं एक शेर पेश करता हूँ, अभी सुना नहीं है तुमने, ये शेर सुना तो फर्क सुनो शेर के। ये सारे लोग मुझ पर इसलिए पत्थर उठाए, सुनिएगा मैं कौम के बीच मिल्लत के बीच काम करने वालों का हाल इस वक्त क्या है, कि ये सारे लोग मुझ पर इसलिए पत्थर उठाए हैं कि मैं उस जात से डरता हूँ जिससे ये नहीं डरते। ये सारे लोग मुझ पर इसलिए पत्थर उठाए हैं कि मैं उस जात से डरता हूँ जिससे ये नहीं डरते। ये सारे लोग मुझ पर इसलिए पत्थर उठाए हैं कि मैं उस जात से डरता हूँ जिससे ये नहीं डरते। एक और शेर सुनाता हूँ नया, वादा कीजिए कि घर में दुनिया लूट कर लाने से आया तो बहुत, कि घर में दुनिया लूट कर लाने से आया तो बहुत, वो अगर फुर्सत तो सोचो। घर में दुनिया लूट कर लाने से आया तो बहुत, हो अगर फुर्सत तो सोचो घर से क्या जाता रहा। घर में दुनिया लूट कर लाने से आया तो बहुत, हो अगर फुर्सत तो सोचो घर से क्या जाता रहा। हो अगर फुर्सत तो सोचो घर से क्या जाता रहा। घर में दुनिया लूट कर लाने से आया तो बहुत, हो अगर फुर्सत तो सोचो घर से क्या जाता रहा। बहुत इनायत, बड़ी नवाजिश। आइए चंद शेर और सुनाऊं कि दियो का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना। अब ज़्यादातर हैदराबाद तो हमारा उर्दू का गहवारा है, पहला गहवारा। सुने शेर के दियो का कद घटाने के लिए, दियो का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना। वो बड़े शहरों में रहना हो तो फिर बातें बड़ी करना।
दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी कर, बड़े शहरों में रहना हो तो फिर बातें बड़ी कर, बड़े शहरों में रहना हो तो फिर एक शेर पेश कर रहा हूँ, बड़ी उम्दा महफिल है, बड़ी मेरे ख्याल में तो ये हासिल सफ़र है, हैं हमने एक महीने का तकरीबन सफ़र किया मगर क्या खूबसूरत महफिल मिली है। कि दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना, धारा धारा दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना, बड़े शहरों में रहना हो तो फिर बातें बड़ी करना, ये क्या जाने ये दिल कच्ची जमीन का इस्तियारा है, ये क्या जाने ये दिल कच्ची जमीन का इस्तियारा है, इन आंखों को तो बसाता है बरसातें बड़ी करना, ये क्या जाने ये दिल कच्ची जमीन का इस्तियारा है, इन आंखों को तो बसाता है बरसातें बड़ी करना, इन आंखों को तो बसाता है बरसातें बड़ी करना। भरत तुमने बहुत खूबसूरत गजलें सुनाई हैं, एक शेर उन गजलों के एहतराम में पेश करता हूँ, मिला कीजिए कि इन आंखों को तो बसाता है बरसातें बड़ी करना, मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना, मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना, दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी, बड़े शहरों में रहना हो तो फिर बातें बड़ी, ये दिल कच्ची ये क्या जाने ये दिल कच्ची जमी का इससे आ रहा है, इन आँखों को तो बसाता है बरसातें बड़ी, किसी को छोड़ना हो तो मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी। देखिए इस वक्त ये अहद जो है बड़ा सबराजमा अहद है, मुफक्किर दानिश पर सोचने वाले दर्दमंद लोग कितने तनह हैं, मैं गदर मैं मतलब पेश करता हूँ, सुनो तब कि समंदर दिल में है, समंदर दिल में है इजहार के प्यासे से लगते हैं, समंदर दिल में है इजहार के प्यासे से लगते हैं, सदाओं के जमाने में जो सन्नाटे से लगते हैं, समंदर दिल में है इजहार के प्यासे से लगते हैं, सदाओं के जमाने में जो सन्नाटे से लगते हैं। और एक अजीब शेर गजल का सुना रहा हूँ, आप लोग सुने कबूल फरमाएं मुझे बड़ी खुशी होगी, समंदर दिल में है इजहार के प्यासे से लगते हैं, सदाओं के जमाने में जो सन्नाटे से लगते हैं, जो सन्नाटे से लगते हैं, अजब एहसास है, अजब एहसास है गर्दे गुनाह छूकर गुजर जाए, अजब एहसास है गर्दे गुनाह छू, अजब एहसास है गर्दे गुनाह छूकर गुजर जाए, समंदर दिल में है इजहार के प्यासे से लगते हैं, सदाओं के जमाने में जो सन्नाटे से लगते हैं, अजब एहसास है गर्दे गुनाह छूकर गुजर जाए तो अपने आप को हम देर तक मैले से लगते हैं, अजब एहसास है गर्दे गुनाह छूकर गुजर जाए तो अपने आप को हम देर तक मैले से लगते हैं, अजब एहसास है गर्दे गुनाह छूकर गुजर जाए तो अपने आप को हम देर तक मैले से लगते हैं। और आखिरी शेर इस सिलसिले का सुनिए बतौर खास, न मेरी आँख में आंसू, न मेरी आँख में आंसू न तू चेहरे से बेचेहरा, न मेरी आँख में आंसू न तू चेहरे से बेचेहरा, मिले हैं मुद्दतों में हम तो समझौते से लगते हैं, न मेरी आँख में आंसू न तू चेहरे से बेचेहरा, मिले हैं मुद्दतों में हम तो समझौते से लगते हैं, न मेरी आँख में आंसू न तू चेहरे से बेचेहरा, मिले हैं मुद्दतों में हम तो समझौते से लगते हैं। बहुत शुक्रिया। और मुलाजा फरमाया कुछ शेर कि कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, कतरा अब एहतजाज करे भी
पूरा इज्तिमाही दर्द बयान कर रहा हूँ, मैं कहूँगा कुछ नहीं, बस समझने वाले समझिए क्या कह रहा हूँ। पूरे अहद को समेटता हूँ कि कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, अरे दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। कतरा कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। इस दौरे मुंसिफी में, दौरे मुंसिफी इन्वर्टेड कॉमास में है, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। इस दौरे मुंसिफी में जरूरी नहीं वसीम, इस दौरे मुंसिफी में जरूरी नहीं वसीम, जिस शख्स की खता हो उसी को सजा मिले। इस दौरे मुंसिफी में जरूरी नहीं वसीम, जिस शख्स की खता हो उसी को सजा मिले, जिस शख्स की खता। एक गजल मेरी पुरानी थी, तीन शेर थे उसके अंदर, काफ़ी बड़े मुश्किल हालात में मैंने कहे थे, उसमें फिर कुछ शेरों का इजाफा हुआ, तो आप इजाज़त दें तो मैं उसे नए शेर जो उसमें बड़े हैं उसके हवाले से। मतला उसका यूँ था, मैंने बड़े नाजुक दौर में ये मतला कहा था, ये शेर कहे थे, जब हिंदुस्तान में रिश्तों पर, जो सदियों के रिश्ते हैं मुश्तरका तहजीब के, उन पर जब जर पड़ी तो मुझे कहना पड़ा था कि हादसों की जद पे हैं, हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद पे हैं, हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना, अब मिसरा सुनिएगा, हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, अरे जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। और देखिए, मैंने सदियों के जो मुश्तरका रिश्ते थे, जो साझा संस्कृति के रिश्ते थे, उसके दर्द को कैसे गजल में बयान किया, वो सुनिए कि हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, तुमने मेरे घर नहाने की कसम खाई तो है, तुमने मेरे घर नहाने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें। तुमने मेरे घर नहाने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें। और बार बार मैं कहता हूँ, बार बार कहता रहूंगा कि हिंदुस्तान मोहब्बत की सरजमीन है, अजीम सरजमीन है, मोहब्बत की सरजमीन है। इतनी तहजीबों, इतने मजाहब को, इतने मकातिब फ़िक्र को साथ लेके चलने का नाम हिंदुस्तान है, जो दुनिया में इसकी पहचान है। अगर वहाँ नफ़रत पैदा भी होगी तो उसकी उम्र बहुत कम होगी, इसलिए कि मोहब्बत की सरजमीन बहुत देर। अब मैं शेर कहता हूँ कि आंसुओं से भी कहो आँखों में आना छोड़ दे, प्यार के दुश्मन समझेंगे इशारे आप, कि प्यार के दुश्मन कभी तू प्यार से कह के तो देख, प्यार के दुश्मन कभी तू प्यार से कह के तो देख, एक तेरा डर ही क्या हम तो जमाना छोड़ दें। प्यार के दुश्मन कभी तू प्यार से कह के तो देख, एक तेरा दरी क्या हम तो जमाना छोड़ दे। अब यहाँ से ये तीन नए शेर बतौर खास आपकी नजर, भाई ये मजमिया सुनिए, जो अहले गज़ल है वो सुने, मैं किस मजमून को समेटने की कोशिश करता हूँ कि दर्दमंदी के सभी रिश्ते धरे रह जाएंगे। सुनिए दर्दमंदी के, हजरा सुनिए कि दर्दमंदी के सभी रिश्ते धरे रह जाएंगे, आंसुओं का बोझ अगर पलके उठाना छोड़ दे। दर्दमंदी के सभी रिश्ते धरे रह जाएंगे, आंसुओं का बोझ अगर पलके उठाना छोड़ दे, आंसुओं का बोझ अगर पलके उठाना छोड़ दे, बारिशें दीवार धो देने की आदि है तो क्या,
बारिशें दीवार धो देने की आदि है तो क्या हम इसी डर से तेरा चेहरा बनाना छोड़ दें? बारिशें दीवार धो देने की आदि है तो क्या हम इसी डर से तेरा चेहरा बनाना छोड़ दें? आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, बतौर एहसास सुनिए। मजमून मैंने गजल उर्दू डाइस से पहली मरतबा मजमून को कहने की कोशिश की। कहना ये चाहता हूँ कि उस परवरदिगार आलम तक उसने तो बड़े सहल रास्ते बताए थे, जाहिल भी चला जाए पढ़ा लिखा भी, मगर जितने मजाहिब हैं जितने दुनिया के सबके बीच वालों ने इतना मुश्किल कर दिया, इतना खौफजदा कर दिया कि वो सोचता है कि उस तक पहुँचे तो कैसे। अब मैं इसे गज़ल बनाता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। यह पूरा मतलब आलमी तनाज़ुर में देखिए, सारे मज़ाहिब आ जाएंगे उसमें कि बारिशें दीवार धो देने की आदि है तो क्या हम इसी डर से तेरा चेहरा बनाना छोड़ दे? बस खुदा जोई को, सुनिए, बस खुदा जोई को इश्को आजजी दरकार है, बस खुदा जोई को इश्को आजजी दरकार है, मजहबी आकाओं से कहिए डराना छोड़ दे। बस खुदा जोई को इश्को आजजी दरकार है, मजहबी आकाओं से कहिए मजहबी आकाओं से कहिए डरा। मैं एक छोटी सी नज़्म सुनाऊँ, एक छोटी सी नहीं है, अच्छी खासी बड़ी है, मगर सुनाना चाहता हूँ इसलिए कि उसमें सब कहीं ना कहीं आपका माजी जो है आपको आवाज़ देता हुआ उसमें दिखाई देगा। हम लोग अपनी अपनी ज़मीनों से दूर आए, कोई ना कुछ जाइए तो देखिए कि किसी न किसी के दिल में कहीं ना कहीं वो देहात, वो गांव, वो छोटा सा कस्बा ज़रूर बस रहा होगा जहाँ आपने जन्म लिया। ये अलग बात है कि आज आप मगरबी तहजीब के मराकज के ऊपर आबाद हैं, मगर आपका वो गांव आपके साथ पूरी ज़िंदगी सफ़र करता है। उन हॉन्टिंग मेलोडीज़ को मैंने नज़्म बनाया और इस नज़्म का उमान है अमानत। अमानत मुलाहिज़ा कीजिएगा, बहुत बड़ी अच्छी तरह आप सुन रहे हैं, तो मैं ये नज़्म सुनाता हूँ आपको। ये माजी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, मैं एक लफ्ज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और मेरे एहसास से जुड़ी है। ये माजी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, ये एक नादान बच्चे की तरह तन्हाई को मिली है। ये माजी जो मेरी तन्हाइयों के साथ, ये एक नादान बच्चे की तरह तन्हाई को मेरी, इशारा करता है ठोड़ी पकड़ कर और कहता है। ये एक नादान बच्चे की तरह तन्हाई को मेरी, इशारा करता है ठोड़ी पकड़ कर और कहता है, वो देखो गांव के सीने पे सर रखे हुए सरसों, वो देखो गांव के सीने पे सर रखे हुए सरसों, तुम्हारी कमसिनी खेली है जिसकी गोद में बरसों, तुम्हारी कमसिनी खेली है जिसकी गोद में बरसों नकुशे पासे अब तक हर गली की मांग रोशन है। हमारे इलाके में जिम्मेदार जहाँ जाके ठहरते थे देहातों में, उसको डेरा कहा जाता था, कुछ वक्त के लिए जाते थे, नकुशे पासे अब तक हर गली की मांग रोशन है, अभी तक गोद फैलाए हुए डेरे का आंगन है, अभी तक गोद फैलाए हुए डेरे का आंगन है, रसीली जामनों के, दुनिया का सबसे कमजोर पेड़ है, रसीली जामनों के पेड़ की कमजोर शाखों ने, इल्तिज़ाम देखिए कि रसीली जामनों के पेड़ की कमज़ोर शाखों ने तुम्हारी उंगलियों का हर निशा महफूज रखा, नकुशे पासे अब तक हर गली की मांग रोशन है, अभी तक गोद फैलाए हुए डेरे का आंगन है, रसीली जामनों के पेड़ की कमज़ोर शाखों ने तुम्हारी उंगलियों का हर निशा महफूज रखा है, लबों पर झील की गहराइयों के है बस एक शिकवा, लबों पर झील की गहराइयों के है बस एक शिकवा कि जब से तुम गए हो कोई भी हम तक नहीं पहुंचा, लबों पर झील की गहराइयों के है बस एक शिकवा कि जब से तुम गए हो कोई भी हम तक नहीं पहुंचा। ये माजी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, ये एक नादान बच्चे की, ये बड़ा पॉइंटेड लफ्ज़ है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, नादान बच्चे की तरह तन्हाई को मेरी, इशारा करता है जो जानता नहीं कि आगे पीछे क्या होगा, मगर नादान बच्चे की तरह तन्हाई को मेरी, इशारा करता है ठोड़ी पकड़ कर और कहता है, वो देखो गाँव के खलियानों में सोया हुआ जादू, वो देखो गांव के खलियानों में सोया हुआ जादू, नशीली रात की रानी वो लो देती हुई खुशबू, दियो का धीमी धीमी रोशनी देना धुआं देना, शिकस्ता झोपड़ों का जिंदगी को लोरियां देना,
शिकस्ता लोपड़ों शिकस्ता झोपड़ों का जिंदगी को लोरियां देना, खनकती है रसोई घर में अल्लड़ चूड़ियां अब तक, भरा की पूलियां लाती हैं सर पर बूढ़ियां अब तक, तलैया के किनारे कच्ची ईंटों से बना मंदिर, तलैया के किनारे कच्ची ईंटों से बना मंदिर, सुलगते सुलगते कंडों से ये उपला जो होता ना, सुलगते कंडों से उठती धुएं की मलगुजी चादर, सुलगते कंडों से उठती धुएं की मलगुजी चादर, हरे खेतों की मेंढों पर सुलगते जिस्म के साए, हरे खेतों की मेंढों पर सुलगते जिस्म के साए, लरसते होंठ घबराई हुई सांसों के अफसाने, लचकती आम की शाखों पे बल खाए हुए झूले, किसी का भागना ये कह के कोई है हमें छूले, हरे खेतों की मेंढों पर सुलगते जिस्म के साए, लरसते होंठ घबराई हुई सांसों के अफसाने, लचकती आम की शाखों पे बल खाए हुए झूले, किसी का भागना ये कह के कोई है हमें झूले। ये माजी, अब आइए वो तलखी आती है जो आपको यहाँ तक लाइए पेश करता हूँ। ये माजी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, ये कहता है कि मैं गुजरी हुई बातों में खो जाऊँ, ये कहता है कि मैं गुजरी हुई बातों में खो जाऊं, तुम्हारी जुल्फ से महकी हुई रातों में खो जाऊं, इसे मैं कैसे समझाऊं कि ये माजी की तस्वीरें अब एक ऐसी अमानत है जिसे मैं रख नहीं सकता, इसे मैं कैसे समझाऊं कि ये माजी की तस्वीरें अब एक ऐसी अमानत है जिसे मैं रख नहीं सकता। और फरज साहब सुनिए कि जिसे मैं रख नहीं सकता, अगर रखूं तो नाकारा निकम्मा कह के ये दुनिया, सुनिए क्या कह रहा हूं, अगर रखूं तो नाकारा निकम्मा कह के ये दुनिया मुझे ठोकर लगा दे और खुद आगे कबर, अगर रखूं तो नाकारा निकम्मा कह के ये दुनिया मुझे ठोकर लगा दे और खुद आगे कबर जाए, मेरी पसमानदगी पर हर नजर उठे तरस खाए, नज़्म खत्म हो रही है, आखिरी दो मिसरे हवाले करता हूँ, मेरी पसमानदगी पर हर नजर उठे तरस खाए, मुझे मुर्दा अजायब घर की ऐसी मूर्ति समझे जो सबको इसलिए प्यारी है कि काफी पुरानी है। बहुत बहुत शुक्रिया।